बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा चैनल काशिप सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी नए आने वाले दोस्त, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का जो ये हमारा टॉपिक है, ये सुजुकी GD110 एक बाइक मैंने खोली हुई है, तो इसके फ्रंट व्हील के मैं बैरिंग चेंज कर रहा था। तो एक बैरिंग जो है इसका दोस्तों ये मुकम्मल बाहर आ गया हुआ है, और दूसरे बैरिंग की जो ना ये गोलियाँ और ये इसकी अगली डबल सी बाहर आ गई है। बैरिंग की जो कॉलर है, अगर आप गौर से देखें तो इसके बीच में है। तो बहुत कॉमन सा मसला होता है ये इन गाड़ियों में। तो आज मैं आपको इस कॉलर को निकालने का तरीका बताऊँगा। दो तरीका कार इसके होते हैं, या तो इसके ऊपर कोई आप वेल्डिंग वाले से या किसी खराद वाले से एक पेच को वेल्डिंग करवा लें, ऊपर आप इस तरह का एक ये पेच वेल्डिंग करके भी इसको ये निकलवा सकते हैं, लेकिन वो काम थोड़ा सा लंबा हो जाता है। उसके लिए बाइक को जो है खरादिए पे लेके इस भी रिम को जो है खरादिए पे लेके जाना पड़ता है, या कहेंगे वेल्डिंग वाले के पास लेके जाना पड़ता है। दूसरा तरीकाकार इसका ये होता है कि हम इसके ये बैरिंग को दोबारा बनाएंगे, इसके ग्रीस लगाने के बाद इस बैरिंग को हम बाहर निकालेंगे। इसके लिए जो है ना आपकी बैरिंग की गोलियों का पूरा होना ज़रूरी है, और यहाँ पर हम ग्रीस लगाएंगे। ग्रीस को आप अच्छे तरीके से इसके अंदर लगा लें। तो दोस्तों, इसकी कॉलर में हम पहले जो इसकी गोलियाँ निकली हुई हैं, इन गोलियों को लगाएंगे। थोड़ा सा कह लेंगे इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है, लेकिन ये बैरिंग इस तरीके से बाहर आ जाता है। ये गोलियों को लगाने के बाद हम इसके जो बैरिंग की कॉलर से बाहर आई थी, हम उसको इसके बीच में लगाएंगे और गोलियों को उसके साइडों पे फिला देंगे। फिर इससे ये होगा कि बैरिंग जो है आपका एक बन जाएगा। और ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से आप इस बैरिंग को जो है वो दोबारा बना सकते हैं। इस तरीके से जो है ना आपका बैरिंग बाहर आने के काबिल हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि अब ये बैरिंग अब हमारा ये बन चुका है। तो अब हम इस बैरिंग को निकालेंगे थोड़ी की मदद से, और तो जी दोस्तों, इसको आप कोशिश करें कि किसी एक ही मदद से बैरिंग को निकालें। तो जी दोस्तों, ये बैरिंग देख सकते हैं कि बाहर आ गया है। तो इसके अंदर हमने ये इसकी पुरानी गोलियों को लगाया था, तो इसकी बैरिंग की कॉलर जो है ये बाहर आ जाती है। तो आप इस तरीके से जो है ये बैरिंग को बाहर निकाल सकते हैं। कोई भी बाइक हो, सुजुकी हो, 70 हो, किसी भी बाइक में आप इस तरीके से इसके बैरिंग को बाहर निकाल सकते हैं। वैसे सुजुकी GD110 में जो है 6301 नंबर का बैरिंग लगता है, तो दोनों बैरिंगों का एक ही साइज़ होता है। 6301 नंबर के बैरिंग इसमें लगते हैं। सुजुकी GD110 में वैसे भी ये फ्रंट व्हील के बैरिंगों का बहुत ज़्यादा इशू है। तो जी दोस्तों, बाज़ जो मुझसे दोस्त हैं मेरे, वो मेरी शॉप का एड्रेस पूछते हैं कि आप अपनी शॉप का एड्रेस हमें बताएं। कमेंट्स में काफ़ी सारे सवाल लोगों ने पूछा होता है। तो दोस्तों, मेरी शॉप जो है टाउनशिप अकबर चौक लाहौर में वाकिया है। वैसे वीडियो में मैंने अपना ये फ़ोन नंबर भी दिया होता है, तो आप आने से पहले कॉल लाजमी कर लें, और गूगल के ऊपर आप काशिफ सुजुकी सेंटर सर्च कर लें। मेरे चैनल का नाम भी काशिफ सुजुकी सेंटर है और मेरी शॉप का नाम भी काशिफ सुजुकी सेंटर है, तो मेरे एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिल जाएगी। तो आने से पहले आप कॉल लाजमी कीजिएगा। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि सुजुकी GD110 के अगर फ्रंट व्हील का बैरिंग की कॉलर अगर अंदर फंसी हो तो आप उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। भी मान लो।